बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप लोगों के अनवांटेड हेयर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो आप लोगों के फेस पर हो, चाहे वो आप लोगों के हैंड्स पर हो, चाहे वो आप लोगों के फीच पर हो, टांगों पर हो, अंडर आर्म्स पर हो, प्राइवेट पार्ट्स के भी आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और इस रेमेडी और इस क्रीम की बात स्पेशल ये है कि ये आपकी जगह को काला नहीं करती। अगर आप बाजारी क्रीम्स वगैरह लगाते हैं तो उससे हेयर्स तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन ब्लैकिश आपकी स्किन हो जाती है। उसके अलावा अगर आप लोग रेज़र वगैरह फेस पर इस्तेमाल करते हैं या वैक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के रुआ बढ़ता चला जाता है। अगर आप लोग यही क्रीम, सिर्फ और सिर्फ यही क्रीम, इसके साथ दूसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा नहीं करनी, हर दफ़ा इसी क्रीम का इस्तेमाल करना है, थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। आप लोगों ने हमेशा जब भी बनानी है यही क्रीम प्रिपेयर करनी है और इसी को लगाना है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों के अनवांटेड हेयर्स का इशू ही खत्म हो जाएगा, आपके हेयर्स ग्रेजुअली रिड्यूस होना स्टार्ट होंगे और फिर जड़ से ही खत्म हो जाएंगे। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दिएगा। अनवांटेड हेयर्स को खत्म करने का ये बहुत ज्यादा कारामद और अजीम नुस्खा है भाई। सबसे पहले इसके लिए आप लोगों ने लेनी है शुगर, जो घर में इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने इसका पाउडर बना लेना है। यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बनाकर रखा था। पाउडर बनाना सभी को आता है कि ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, वो पाउडर बन जाएगा। इसके मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पर लिए हैं, यानी कि पिसने के बाद आपकी चीनी 4 टेबल स्पून भर कर बड़े वाले होने चाहिए, जो खाने के चम्मच होते हैं। इस रेमेडी में चीनी हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर ये नहीं ऐड करी पिसी हुई चीनी तो हमारी रेमेडी तैयार नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों ने एक एलोवेरा का ली पत्ता लेना है, पूरा बड़ा सा। उसको आप लोगों ने येलो पार्ट को हटा देना है, क्योंकि येलो पार्ट हम लोग अपनी स्किन पर नहीं लगाते हैं। इसको फिर आप लोगों ने कट कर लेना है और ग्राइंडर में डाल देना है। इसके पीसेस कर लीजिएगा और किनारों से काट लीजिएगा ताकि उसकी जो है वो ना आए, जो उसका खुरदुरा सा पार्ट होता है जहाँ पे कांटे लगे हुए होते हैं ना, वो चीज़ ना आए। उसके बाद इसको आपने ब्लेंडर में डाल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें ये शुगर जो हमारी पीसी हुई है वो भी ब्लेंडर में ऐड कर लेनी है। इसके अलावा आप लोगों ने 1 टीस्पून भरकर इसमें कॉर्न स्टार्च के ऐड करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा पानी डालना है ताकि ये ब्लेंड हो जाए। बहुत कम पानी डालेंगे, पानी की मिकदार बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पानी की मिकदार बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये पेस्ट बिल्कुल भी काम कर नहीं रहेगा। ब्लेंडर में डालकर इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों ने ब्लेंड करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाए। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसको एक अदद प्याली में निकाल लेना है। अब ये क्रीम तैयार हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी मेरे पास देख लीजिए, आप लोगों की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब ये अप्लाई के लिए बिल्कुल रेडी है, बगैर किसी जलन के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी केमिकल के, ये जबरदस्ती क्रीम रेडी है। अब मैं आप लोगों को इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, लेयर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं लगानी है, नॉर्मल सी आप लोगों ने लेयर लगानी है। आप लोगों की 20 से 25 मिनट तक ये क्रीम बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अगर नहीं हो तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर मेरी ड्राई हो गई थी। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे तो इतने कोई हेयर्स है ही नहीं, इसलिए मैंने अपनी बेटी के करके दिखाया है। बहुत ही आसानी से अप्लाई भी हो जाएगी। एक दो दफ़ा आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके हेयर्स भी जो है चले जाएंगे। तो आप लोग बच्चों के भी लगा सकते हैं, बच्चों के भी बाल बहुत ज़्यादा होते हैं जिन बच्चों के, तो उनके भी आराम से लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा ही आप लोगों के बाल ना आए, अनवांटेड हेयर्स ना आए, तो इस रेमेडी के दौरान जब जब भी आप करें, मतलब जैसे हर हफ्ते कर रहे हैं तो आप लोगों ने हर हफ्ते इसी को करना है। ऐसा नहीं करना कि एक दफ़ा इसको कर लिया हफ्ते में एक दफ़ा वैक्स कर लिया, हफ्ते में एक दफ़ा रेजर कर लिया, तो इस तरीके से हफ्ते में एक दफ़ा थ्रेडिंग कर ली, बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जब आप लोग एक प्रोसेस कर रहे होते हो थोड़ी सी मेहनत होगी और कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, बगैर साइड इफेक्ट के ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर मैंने अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ दिया था, ये सूख गया है। अब मैंने छुरी लिया और छुरी का जो दूसरी तरफ की जगह होती है ना,
उधर से मैंने हटाना शुरू किया। जब मैंने हटाना शुरू किया तो ये इजिली हट गए थे और इससे कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी, कोई पेन भी नहीं हुआ था, कोई जलन भी नहीं हुई थी। और इजिली आप लोगों ने किसी सख्त चीज़ से, मैंने छुरी इसलिए ली है कि वो सख्त होती है, तो सख्त चीज़ से बस मैंने थोड़ा सा एरिया करा है इनका और वहाँ से इसके हेयर साफ हो गए हैं। आप लोगों ने कोई भी बाजारी केमिकल वाली और रेजर वगैरह यूज़ नहीं करना है, बस इसी रेमेडी को आप लोगों ने यूज़ करना है, बार बार करना है, हर हफ्ते करना है या हफ्ते में दो दफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लगाइए और फिर लगाकर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर स्मूथली किसी भी सख्त चीज़ से या मेरी तरह छुरी के पीछे वाले हिस्से से आप जब हटाएंगे, जैसे मैंने बच्ची के हटाया है और उसके उस जगह से हेयर्स बिल्कुल हट गए हैं और बच्ची के कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप लोग तो बड़े हैं, इजली कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ सीखा हो मुझसे, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिएगा। अगर आप लोग विश ब्यूटी से कुछ भी बाय करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड हेयर्स, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाईज करेगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नादिया मुजम्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी खास दुआओं में याद।